मैं अपने गुरुदेव सावन रूप कृपाल के चरणों में नमस्कार करता हाँ, जिन्होंने इस गरीब आत्मा ते अपनी अपार कृपा की। कबीर साहब ने कहा, गुर को रखे सीस पर चले आगे माहें, कहे कबीर तें दास को तीन लोग डर नाहें। सहजो बाई बड़े प्यार ना समझाती है कि गुर का बदला दिया न जाई, सर्वसवारे सहजो बाई। प्यारो महात्मा दे जो परमात्मा नु मिल गए है, उन्हां दे इतिहास उन्हां दी बाणी पढ़िया तो पता लगता है कि उन्हां दे दिलां अंदर अपने गुरु वास्ते कितनी इज्जत सी, कितना प्यार सी, कितनी तड़प सी। अगर उन्होंने अपने गुरुदेव नू अपने ऊपर खुश किया, वो एक प्यार ही सी, तड़प ही सी, और उन्हां दा कहे कार बनना ही सी। थोड़े अगे गुरु रामदास जी महाराज का शब्द रखा जाता है, गौर न सुन वाला है। गुरु रामदास का आप कोई भी शब्द गुरु ग्रंथ साहब दे विचों लईए, सब प्यार और इश्क दे नाल ही भरपूर है। जिन्ना गुरु प्यार गुरु रामदास दा गुरु अमरदेव दे नाल सीगा, उस सानू इतिहास पढ़न तो सबनू पता लगता है कि उन्हां दा गुरु प्रति कितना आदर कितना प्यार सीगा। उन्हां दे दो बेटे सन, दो दमाद सन, सब दे दिल च यही सी कि इन्हां दे पिछों जो जगह ते बैठते है गद्दी वो सानू मिले, क्योंकि आम लोग जेड़े कमाई नहीं करते गे वो संतां दे दरबार विच आके जिथे के लाल हीरे जवाहरात चुगने सी, इस वास्ते ऐसे लोकां दा भुलेखा कई दफा संत दूर भी कर जांदे है। महाराज सावन सिंह कहिंदे हुंदे सी कि गुरु किसी भी शिष्य का इम्तिहान ना ले, इम्तिहान दे अंदर पास होना बड़ा ही मुश्किल हुंदा है। सानू उन्हां दी मर्जी दा ज्ञान नहीं हुंदा, उन्हां दी प्लानिंग दा ख्याल नहीं हुंदा कि इहदे पिछे उन्हां दी कितनी दया कम करदी है। असीं तां तुच्छ बुद्धि वाले अपने ही अकल दे मुताबक अपने ही बुद्धि दे मुताबक सोच रहे हुंदे हैं। संगत नूं हुक्म दिता कि सारे चौंतरे बनाओ। हुण सोचण दे विच तां बड़ी ही एक छोटी जी बात है, लेकिन किसी नूं की पता सीगा कि इहदे पिछे गुरु अमरदेव जी महाराज की कितनी दया कम करती है, वो की देना चाहते है। लोगों ने चौंतरे बनाए, जाके दस्या गया, आके कहन लगे भी थोड़े चौंतरे पसंद नहीं, ठीक नहीं, इन्हां नूं ढा दिओ। बहुत सारी संगत पहली दफा ही हट गए, कुछ लगे रहे। फिर गुरु अमरदेव जी महाराज ने बुलाया, वो कहन लगे ये जगह ही थोड़ी अच्छी नहीं, थोड़ी मिट्टी अच्छी नहीं, जिदे नाल तुसी चौंतरे बनाने हो, तुसी वो दूर जाके मिट्टी लियाओ, उस जगह दे विच बनाओ, फिर देखांगे। बस उत्थे तां थोड़े ही रह गए, सारे हट चले। इतिहासकारा ने लिखा है कि गुरु अमरदेव गुरु रामदास जी महाराज ने 70 दफा वो चौंतरे बनाए और ढाए। बड़ी लगन दे नाल ताज़ा हुक्म समझ के मिट्टी लियांदे सन, ताज़ा ही हुक्म समझ के, हाजर नाजर गुरु का हुक्म समझ के इमानदारी नाल वो फिर मिट्टी लियांदे और बनाउंदे। गुरु साहिब नूं दसदे, असी तुच्छ बुद्धि वाले लागे कहें कि देख भी गुरु साहिब की बड़ी उम्र है। इतिहासकारा ने उदों उन्हां दी उम्र 105 साल की लिखी है कि वह बजुर्ग हो गए है, हुण उन्हां दी अकल कायम नहीं गी, तेरी अकल तो कायम है। और गुरु साहिब गुरु रामदास जी पहला तो कुछ ना बोले, जब उन्हां दे गुरु की निंदा हुई सेवक तो कल सहारी जाती है, वह कह लग्या देखो बई तुसी जो कुछ मर्जी है मैनू कह लो, लेकिन गुरुदेव नू तुसी कुछ ना कहो। अगर जे गुरु की अकल कायम नहीं, बाकी दुनिया की किस तरह रह सकती है।
गुरु करण कारण है, समर्थ है। गुरु नानक ने कहा कि मनमुख बालक बिरध समान है। जिहड़े असी मनमुख हैं, अंदर नहीं जाते, मुग्ध हैं, गुआर हैं, असी बालक जैसी हैं, चाहे असी बिरध क्यों ना होइए। तो गुरमुख बुढ़े नाथी है जिन अंतर सुरत ज्ञान। गुरु नानक साहब कहते गुरमुखां दी सुरत अंदर जाग पैंदी है। साडी मनमुखां दी जिवें जिवें शरीर साडा कमजोर हुंदा है, उवें उवें साडी बुद्धि जिहड़ी है वह कमजोर हो जाती है, सोचन शक्ति ते असर पै जाता है। तो कहण लगे गुरु की अकल तो सदा ही कायम रहिंदी है, साडी अकल च फर्क हो सकता है, गुरु की अकल विच नहीं फर्क हुंदा गा। तो गुरु साहब उस तरह उस लगन के नाल वह बनाउंदे रहे। अखीर जद वक्त आया, टाइम आया, आए कहण लगे देख भी पुरशा, चौंतरा तो तेरा पहला ही चंगा सीगा, लेकिन ऐसा संत क्यों करते हैं? ये सोचने की गल है कि जिस हिरदे अंदर उन्होंने अपनी बरकतां लेके बैठना हुंदा है, वह हिरदा भी कुछ होना चाहिए है, उहदी पवित्रता वास्ते उसकी उन्हूं अजमैश ते रख देंदे है। ये उन्होंने ही दया हुंदी है कि अजमैश अगे रखते हैं। सो इस वास्ते छाती नाल लाया, भरपूर कर दिता। ये उन्हां दी बाणी है, तुसी गौर नाल सुनो किन्ना उन्हां दे अंदर इश्क सी, किन्ना प्यार सीगा जी। लंग महला चौथा पन्ना 725। हर किया कथा कहानिया गुरमीत सोना बलिहारी गुर आपने गुर को बाल जाया। जद मेरा मिलाप परमात्मा कृपाल दे नाल होया, ए उन्हां दी ही दया सी। ओ खुद ही अपना उन्होंने एक संदेश ची भेजिया कि अज घरे रहन मैं आऊंगा। उदू पहला मेरी उन्हां नाल कोई मुलाकात नहीं सी, ना मैं उन्हां नूं जानदा सीगा, ना कोई निंदिया करन वाला मिलिया, ना कोई वडियाई करन वाला मिलिया। ये उही जानते सन कि कद टाइम है। बचपने दे अंदर ये याद जरूर सीगी कि कोई महापुरुष मिले, मेरी जो गुआची हुई वस्तु है वो देवे। तो महाराज जी गए, असी काफी लोग उन्हां दी याद विच बैठे सीगे। इसे तरह सत्संग दा सिलसिला बचपने तो ही मेरे उत्थे घर अंदर आश्रम दे विच चलदा है। कोई ये नवा आज नहीं गा, ये पहला तो ही है। तो गुरु साहिब गए, सब तो पहला उन्होंने आह ही शब्द लिया, जिन तुम भेजे तिने बुलाए सुख सहज सेती कर आए। कि जिस परमात्मा ने थानू भेजिया है, साडी मार्फत ओही बुलाउंदा है। सो यही गुरु रामदास जी महाराज कहिंदे है कि परमात्मा दा सनेहा कौन लिआउंदा है? गुरु। वो निरा संदेश ही नहीं दिंदा गा, परमात्मा दे नाल मिलाउण विच मिलन तक वह साडी अंदर मदद भी करदा है। अगर गुरु ना मिले, संत ना मिलन, सानू की पता है कि खंड ब्रह्मंड कित्थे है, ब्रह्म की है, पार ब्रह्म की है, सचखंड की है। इस संत सतगुरां दी ही दया है, महिमा है, जेड़े उस सचखंड चो आके परमात्मा दा सुनेहा लैके साडे जीवां तक उह पहुंचाउंदे है। और मेरा संदेश ही नहीं दिंदे गए, बल्कि उत्थे पहुंचण विच उह पूरी पूरी मदद ही करदे है। बेशक उन्हां नूं उहदे विच कितनी भी दिक्कत क्यों ना आए, कबीर साहब कहिंदे आ राम बुलावा भेजिया दया कबीरा रोए। कहण लगे मैनू आत्मा बुलाउण वास्ते भेजिया, संसार दे विच बड़ियां ही दिक्कतां पेश आउंदियां हन। कई संतां दी इश्टी पढ़ के तां सानू बड़ी ही लज्जा आउंदी है, वह साडे वास्ते किन्नी तड़फ लैंदे है। असी उन्हां नूं किसी जगह बैठण ही नहीं दिंदे गे। गुरु नानक साहब दी इश्टी पढ़दे हैं, लोग उन्हां नूं ग्रावां दे अंदर पिंडां अंदर ही वड़न नहीं दिंदे सी कि ये लोगों की अकल खराब करता है। कसूर दे इलाके दे अंदर उन्हां दी जन्म साखी विच आउंदा है, एक ग्रां दे लोकां ने उस नूं वड़न ना दिता, बल्कि उन्होंने बाहर जाके कोड़ी दी कुटिया विच रात कट्टी। वह कोड़ी दे भाग जागे, वह कोड़ी दा कोड़ तां दूर हो गया, लेकिन उन्हां लोकां ने उस दा
फायदा ना उठाया। पिंड बाजक पंजाब विच है, मैनू मौका मिलिया इसे वक्त उत्थे जाण दा। उत्थे जो गुरुद्वारा है वह पिंड तो काफ़ी दूर है, मैं उत्थों दे ग्रंथी नूं पुछिया कि प्यारिया ये गुरुद्वारा पिंड तो दूर क्यों है, तुसी रोज़ जाते तकलीफ उठाने हो, पिंड अंदर क्यों ना बना लिया। वो गुरुद्वारे का ग्रंथी कहण लग्या कि गुरु गोबिंद सिंह जी इत्थे आए सन, पिंड दे लोकां ने इत्थे वड़न नहीं दिते पिंड दे विच, इस वास्ते उन्होंने रात बाहर पिंड तो कट्टी, तो अज असी उत्थे उन्हां दी यादगार बनाई है। हुण सोच के देख लो, आए दी तां असी कदर नहीं करदे, पिछों मत्थे टेकण मड़ियां ते फिर असी पिछे मठ बना लैंदे हैं, उत्थे असी सिर नवाने हैं, दातन करिए महात्मा दी, उन्हें दातन सर बना के बैठ जाने हैं, अगर किसी से उन्होंने कोई पौए पे है उत्थे नमस्कारां करते रहने हैं। लेकिन इस चीज़ तो सानू लज्जा आउंदी है कि जदों मालक दे प्यारे आउंदे हैं जो फायदा उठाना सी वो असी उन्हां तो नहीं उठा सकते गे। सो इस वास्ते आप प्यार दे नाल कहिंदे है कि गुरु मालक का संदेश लिआउंदा है, साढ़े आत्मा तक पहुँचाउंदा है। तो कबीर साहब कहिंदे मैनू बुलाउण वास्ते तां भेजिआ पर मैं संसार दे अंदर बड़ा रो के वह संदेश दिता, जो सुख साधु संघ है सो बैकुंठ न होए। मैं लोगों नूं बड़े प्यार नाल दस्या कि प्यारे हो जिन्हां तुसीं स्वर्गां दी आस ला के दान करते हो, पुन करते हो, बलियां दिने हो, कुरबानियां करते हो, कहण लगे थानू जो साधु की संगत दे विचो आराम मिलेगा, सुख मिलेगा, वह थानू स्वर्गां दे विचो नहीं मिलेगा। स्वर्ग की है? भोग जिन्हां है। असी पुराणा के अंदर पढ़ते हैं कि स्वर्गा के राजा जो इंद्र सीगा उसनु किस तरह काम के हथों जलील होना पाया, किस तरह गौतम की धर्म पत्नी दा आके सतभंग करता रहा। ठंडे दिल ना सोच के देख लो, मैं किसी की निंदा नहीं करता गा, लेकिन इतिहास गवाह है कि जे उत्थे शांति होंगी स्वर्गा के विच उहनू मातलोक का सहारा क्यों लैना पैंदा। सो इस वास्ते संत सानू प्यार नाल कहिंदे है सुख है, शांति है, वो अपने घर पहुँच गई है, सचखंड पहुँच गई है, जिथे ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मोह है, ना हंकार है, ना उत्थे मौत है, ना पैदाइश है, वो शांति का देश है। वो शांति का देश छड़ के संत सानू इस जगह के उत्ते आके संदेश दिंदे है, कहिंदे प्यारियो जब तक तुसी संसार के अंदर हो आपो अपनिया कौमां विच रहो, आपो अपने रीति रिवाज करो, इन्हां नाल साडा कोई भी तअल्लुक नहीं गा। लेकिन जो असी तुहानू साधन और तरीका दसदे हैं ये कोई असी नवां जां तुहाडे वास्ते नहीं दसदे गे, ये पुरातन तो पुरातन है, सनातन तो सनातन है। तुसी हर धर्म ग्रंथ के अंदर पढ़ सकते हो कि नाम बगैर मुक्ति नहीं, गुरु बगैर नाम नहीं मिलता, सतसंग तो बगैर सानू सोझी नहीं आउंदी, साडी तहकीकात मुकम्मल ही नहीं हुंदी, सानू साडियां गलतियां दा नहीं पता लगता जद तक असी महात्मा की संगत और सुभ दे विच नहीं आउंदे गे जी। बोले हारी गुर आपणे गुर को बाल जायां, आए मिल गुर सिख आए मिल तू ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਯਾਦ ਆਏਗਾ, ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਆਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੈਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣਗੇ, ਤੂੰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, 12 ਕੋਹ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਨਾਮ ਲੈਵਾ, ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਰੋਜ਼ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਡਬੀਤੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣੇਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਵੇਗੀ। ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਉਤਨੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰ
सिख आए मिल तू मेरे गुरु के प्यारे हर के गुण हर पाव दे से गुरु ते पाए। हुण आप प्यार ना कहिंदे है अगर तुसी हरि भगवान दे परमात्मा दे गुण देखने है ता तुसी गुरु नू जाके देखो ओही गुण ओही नम्रता ओही दया उन्हां दे अंदर भी ओ प्रगट कम करदी है। सो इस वास्ते आप कहन लगे हर के गुण हर पावंदे से गुरु दे पाए ओ सानू गुरु दे विच वेखण नू मिलदे है या ओदे प्यारे सिखां दे अंदर वेखण नू मिलदे है उन्हां ने भी ओही गुण धारण कीते हुंदे है। हरे गुण हर पावंदे से गुरु ते पाए जिन गुर का पाना मन्निया तिन कुम कुम जाए। गुरु परमात्मा दा पाना मनदा है सिख गुरु दा पाना मनदे है पाने विच ही सुख है। इस वास्ते आप प्यार ना कहिंदे है कि सानू गुरु भी प्यारा लगता है सिख भी प्यारे लगते है वो परमात्मा दे पाने विच रहिंदा है सिख ओदे पाने विच रहिंदे है कि जो कुछ है दुख है सुख है वो सब कुछ वो पाने दे अंदर ही है। जी जिन गोरे का पाना मन्निया तिन कुम कुम जिन सत गुर प्यारा देखिया तिन को हो वारी। आप प्यार ना कहिंदे है कि जिन्ना ने उन्हां तो नाम लिया है मैं उन्हां तो ता कुर्बान जाना ही सी बलिहार जाना ही सी लेकिन जिन्ना ने जिंदगी च एक बारी उसके दर्शन ही कर ले है कहिंदे मैं उन्हां तो भी कुर्बान जाना है कि इन्हां ने मेरे गुरु देव दे दर्शन कीते अपना फायदा उठाया। जी जिन सत गुर प्यारा देखिया तिन को हो वारी जिन गुर कीती चाकरी सद बलिहारी। किन्ना प्यार है कहिंदे जिन्ना ने गुरु दी चाकरी कीती सेवा कीती मैं उस तो भी कुर्बान जाना है बलिहार जाना है ओदे बड़े उच्चे भाग सी जिन्हों ऐसे महापुरुष दे चरणा दे विच बैठ के सेवा करन दा मौका मिलिया। जिन गुर कीती चाकरी तिन सद बलिहारी हरे हर तेरा नाम है दुख मेटण हारा गुर सेवा ते पाई है गुरमुख निस अपने गुरुदेव की महिमा गाउंदे है कि जेड़ा तेरा नाम है ये सारे दुखां दा नाश करन वाला है जमण मरण मिटाउण वाला है ये जिस दे अंदर तू नाम रखदा है ये ओदा फैसला तू खुद ही करदा है कि हुण संसार विच नहीं आएगा मैं इस नूं आपदे साथ लिजाऊंगा। मैं दसदा हुंदा नाम एक किस्म दा बीजा हुंदा है जिस तरह आपां इत्थों अमरीका अंदर जाना होवे उत्थों दे जो प्रतिनिध मकर कीते हुंदे उत्थों दी गवर्नमेंट ने सारिआं तों पहला आपां नूं उहनां दे पास जाणा पैंदा है ओह अपनी जो उहनां दी गवर्नमेंट ने मोहर दित्ती हुंदी है कितनी तरीक तक तुसीं अमरीका विच रह सकदे हो ओह अपनी मोहर ला दिंदे है जद अगे अमरीका च जाके असीं दाखल हुंदे हैं ओह उहनां नूं पासपोर्ट दिखा दिंदे हैं जिहदे उत्ते मोहर हुंदी है उस नूं कोई रोक नहीं हुंदी उस दे उत्ते कोई जुर्माना नहीं हुंदा गा।
ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਮ ਰੋਕੇਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਕਾਲ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਜੀਆ ਡੰਡ ਕੋ ਲੇ ਨਾ ਜੁਗਾਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਰ ਦੀਨੀ ਤੁਰਕੀ ਛਾਪ। ਉਹ ਤੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਡੰਡ ਨਾ ਜੁਗਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਛਾਪ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਨਾਮ ਲਫਜ ਹੁੰਦਾ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਚਰਖਾ ਕੱਤਣ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਨਾਮ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਤਵੱਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਭਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧਨ ਔਰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਗੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ ਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਖੁਦ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੀ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਤੋਂ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਖਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੈਸੀ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗੀ, ਤੈਸੀ ਨਿਵ ਹੈ ਓੜ, ਆਪਣੀ ਗਤ ਕੀ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਦੀ ਕਿਆ ਗਤ, ਤਾਰੇ ਪੁਰਸ਼ ਕਰੋੜ। ਜੈਸੀ ਲਗਨ ਨਾਮਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਤੜਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਟੂਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਸੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਭਿਆਸ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਲਗਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਏ, ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਗਰੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੱਲ੍ਹ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਮਨ ਬਹਾਨੇ ਢੂੰਡਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਭਿਆਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਗਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੈਠ ਜਾਊਂਗਾ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੈਸੀ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੜਫ ਸੀ, ਤੈਸੀ ਨਿਵ ਹੈ ਓੜ। ਅਗਰ ਆਖਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਹੀ ਲਗਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਦੀ ਕਿਆ ਗੱਤ, ਤਾਰੋ ਪੁਰਸ਼ ਕਰੋੜ। ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤਾਰ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਹੋਰਾਂ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਧਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਈਏ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਸਤਾਰਾ, ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏਂਦੇ ਤੇ ਜਨ ਪਰਵਾਨਾ, ਤਿੰਨ ਵੇਟੋ ਨਾਨਕ ਵਾਰਿਆ ਸਦਾ ਸਦਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਬਈ, ਕੌਣ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਤਨੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਜਕਾਤ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜਪ ਤਪ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਦਾਣੀ ਹੈ, ਛਿਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗਿਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੋ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ
जो नाम की कमाई करते हैं, जो शब्द की कमाई करते हैं, इस विचों नानक वारिया सदा सदा कुरबाना। गुरु नानक कहते जेडे नाम की कमाई करते हैं, मैं तो कुरबान जाना है, बलिहार जाना है, चार टुकड़े करके भी उन्होंने उत्तों की वारदा हाँ जी। तिन भी तो नानक वारिया सदा सदा कुरबाना, सार तेरी उस्तत है जो हर प्राब पावे, जो गुरमुख प्यारा सेवंदे तिन हर फल पावे। थोड़ा प्यार ना कहते है, ओदी विड़ियाई की है, उनु अंदर जाके मिलना ही सच्ची विड़ियाई है। कहन लगे जो शब्द नाम दी कमाई करदे है उन्हां नू की फल मिलदा है, सतगुरु उन्हां नू परम पद दा इनाम दिंदा है। यही उत्तम इनाम है जो कि सतगुरु हर सेवक वास्ते तैयार हुंदा है देण वास्ते कि कदों मेरा प्यारा बच्चा मन इंद्रियां दी गुलामी तो आजाद होके नौ द्वारा नू खाली करके मेरे पास पहुंचे, ताकि मैं ओदा जो फल है परम पद दा मैं उस नू दे देवां। सो इस वास्ते आ प्यार ना कहंदे जो गुरमुख प्यारा सेवंदे तिन फल पावे, ओहे उन्हां वास्ते ओ फल तैयार रखदा है जी। जो गुरमुख प्यारा सेवंदे तिन हर फल पावे, जिन्ना हर सेती पिरहड़ी तिना जिया प्रभ नाले, ओए जप जप प्यारा जीवन दे हर नाम समाले। जिन्ना दा गुरु दे नाल सच्चा प्यार है, सच्चा इश्क है, सच्ची मोहब्बत है, गुरु रामदास जी महाराज कहन लगे कि उन्हां दे सुत्यां दे भी साथ है, जागदियां दे भी साथ है, गुरु एक सकिंट वास्ते भी उन्हां तों पासे नहीं हुंदा गा। इंसान दा छाया जिस तरह इंसान दा साथ नहीं छड़दा गा, इस तरह गुरु भी उस तों वख नहीं हुंदा गा। लेकिन साडी वो अख ना बन करके ही बुले शाह ने कहा वो प्यारा तैथों वख नहीं पर देखण वाली अख नहीं। इस वास्ते आप कहंदे जेड़े नौ द्वारे खाली करके सिमरन दे जरिए अखां पिछे आ जांदे है, सूरज चंद्रमा सितारे पार करके गुरु स्वरूप नूं प्रगट कर लेंदे है, वो गुरु स्वरूप हर वक्त उन्हां दे साथ हुंदा है। तुहानूं कई सत्संगी प्रेमी जिंदगी विच मिल जांदे है जिन्हां दे सदा ही गुरु साथ साथ फिरदा है। बेशक दरवाज़ा बंद है, चक्खड़ आ रहा है, ओले पड़ रहे है, तुसी गुरु नू याद करो, एक सकेंट याद करो, वाडे सामने होएगा। हुण की फर्क है ता साडे अंदर हुण भी ओ, और सानू मिलन दा ओ बड़ा ही उत्सुक रहिंदा है, लेकिन हुण साडे अंदर प्यार दी कमी है, तड़फ दी कमी है। जो साडे अंदर सच्चा प्यार सच्ची तड़फ हुंदी है वो सामने आके खड़ा हो जाता है, पूरे प्यार बिना वो सामने नहीं आता गा, बेशक वो साढ़े साथ ही फिरदा है। सो ओए जप जप प्यारा जीवन दे ऐसे ऐसे सिखां दी की हालत हुंदी है, अगर वो गुरु नू याद करते हैं तो उन्हां दा जीवन है, अगर वो भुल जाते हैं तो उस टाइम नू वो मुर्दा समझते है, काफर समझते है। जो दम गाफल सो दम काफर, कौन काफर है भाई जिहड़ा साह उस परमात्मा की याद तो गुरु की याद तो खाली चलिया गया, वो भी काफिल है, काफिर है। सो इस वास्ते आप कहते उन्हों का जीवन गुरु की याद जीवन है, अगर वो याद च बैठे है भावें कितना भी टाइम क्यों ना गुजर जाए, कितने भी महीने क्यों ना गुजर जाए, सो प्यारे उन्होंने वही प्यार चंगा लगता है, वोदिया कहानियां चंगिया लगदिया हैं। महाराज कृपाल कहानी सुनाते होंगे सी लैला और मजनू की, वो कहन लगे कि देखो प्यारे हो मजनू दा लैला नाल प्यार सी, बेशक दुनियावी प्यार सी,
लेकिन वो ये भी कहते होंगे सी जो एक जिस बंदे नू देखदा है उहदे नालों प्यार पा के पूरा नहीं उतरदा गा, जिस परमात्मा नू देखदा नहीं गा उहदे नाल किस तरह वो प्यार कर सकता है। तो कहण लगे कोई ऊंठ वाला जा रहा सीगा लेलां दे देश दी तरफ, वो उहदे साथ हो लिया, कहिंदा प्यारिया तू लेलां नू दी तरफ जाना है, कहिंदा हाँ। वो गल्लां करदा गया, हुण ऊंठ दी चाल दा सानू पता ही है बंदे नू कितनी तेज हुंदी है, कहिंदे 12 मील उहदे साथ ही भज्जिया गया, जिथे वह लेलां दी कहानी उहने छड्ड दित्ती उत्थों वापस आ गया। ये है दुनियावी आशकां दा कम, जिथे दुनियावी आशक इतना ही कुरबानी करते हैं, हालांकि साढ़े दुनिया की दारा की तरह उन्होंने ख्याल मैले नहीं सन, उन्होंने ख्याल बड़े पवित्र सन, वो इन्ना प्यार करते हुए भी वह विशे बकारा की मैल च नहीं लिबड़े सन। सो साडा रूहानी जिहड़ा प्यार है वह कितना होना चाहिए है। महात्मा चतरदास महाराज सावण का नाम लेवा सीगा, ये जड़ां वाले का महात्मा होया है। इन्हें अपनी लेखनी विच लिखिया है, जैसा कम इश्क दसे ऐसा नहीं कटार करे, जख्म इश्क दे रोज लग दे एक बारी तलवार करे, नन्नी जान आशकां वाली इश्क ता मारो मार करे, खाना रज ना खांदे आशक नींदर नाल ना प्यार करे, दिल अंदर तशवीर यार दी मूँह थी नाम पकार करे, चतरदास ओ पूरा आशक जो अंदरों दीदार करे। हाँ भाई, ओए जप जप प्यारा जीवन दे हर नाम समाले, जिन गुरमुख प्यारा सेवया तिन को कुम छुटे परवार स्यों, सब जगत छड़ाया। मैं उन्हां तों कुरबान जाना है जिन्हां ने गुरु दे नाम दी तनो मनो कमाई कीती, गुरु नूं आपदे अंदर प्रगट कीता, वो आप तर गए अपनियां कुलां नूं तार गए, जो भी उन्हां दी संगत और सोभत दे विच आए उन्हां ने उन्हां नूं भी तार लिया। गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे है, तन तन कुल तन तन जननी जिन गुरु जनिया माए, तन तन सतगुरु जी ने नाम आराध्या, आप तरिया जिन्ना डिठा तिन्ना लय छुड़ाए। उस माता दे भी धन्नवाद है जिसने एडे शेर बच्चे नूं जन्म दिता, उस गुरु दे भी धन्नवाद है जिन्हें विशे बकारा दुनिया की मान वडियाई नूं लत मार के नाम की कमाई कीती, नाम की कमाई दा उहदे गुरु ने उस नूं की फल दिता की इनाम दिता, आप तरिया उन्हूं भी तार दिता, ये ताकत देती जड़ा तेनू देखे वो भी प्यारिया जमा की कैद चो छुट जाएगा, जिन्ना डिठा तिन्ना लय छुड़ाए। सानू अनेक ही वाकियात मिलते हैं जेडे कहिंदे है असी तेरे गुरु नूं देखिया सीगा उन्हें साडी मदद की। सो प्यारियो, मैं कहानी पहला भी एक आम दसदा हाँ, संत बाणी मैगजीन दे विच छपी भी हुई है, मेरे ही पिंड दा वाकया है। एक हरिजन जाति दा सीगा जिहड़ा कि कोई जप तप भी नहीं करदा सीगा, कदे संतां दी संगत और सोभ दे विच भी नहीं जांदा सीगा। एक गधी उहने रखी हुई सीगी जिहदे उत्ते आपदा उह रोजी रोटी बेचारा कमाउंदा हुंदा सीगा। एक दफा इतफाक नाल उह हबोर दे अंदर आया, परमात्मा कृपाल दा साढ़े गंगा नगर जाण दा मौका बनिया, अवसर बनिया। उसने कार दे विच जांदे दे दर्शन करे। हुण तुसी देख सकते हो कि सुधारन इंसान अपने ख्याल खड़ा होवे, कोल दी कार लंघ जावे, कितनी काली हुंदी है, किन्ने के दर्शन होए होणगे, लेकिन वह मनमोहनी मूरत उन्हां दे दिल विच बैठ गई। मेरे खेत दे अंदर रस्ता हुंदा सीगा, वो खेत दे वीच दी लंघण लग्या, मेरे नाल बात करन लग्या, कहण लग्या तुसीं आम साधु संतां दी भाल विच रहिंदे हो, हरेक नूं तुसीं मिलदे हो, मैनूं हबोर कोई 50-60 मील साथों दूर पैंदा सी मेरे गांव तों। कहण लगे उत्थों दी इक अलाही रूप मैं देखिया, मेरे अखां दे अंदर उस रूप जिहड़ा है समाया होया है,
मैं उसनु भुल नहीं सकता गा। वह बड़ा ही मनमोहना सीगा, मैं जिंदगी च ऐसा कुछ देखा नहीं। और उहदी जिहड़ी गधी सी वह मेरे फसल खा रही सी, कोल दी एक जिमीदार लंघण लग्या, कहण लग्या कि यह थानू गल्लां ला के गधी रजाउणा चाहुंदा है, क्योंकि हर आदमी का आपो अपना दृष्टिकोण है। मैं उसनु कहा कि जिहड़ी ये गल दसदा ना मेरे ते बड़ा असर करदी है, बड़ी प्यारी लगती है। कोई गल नहीं, मैं कहा भी हरनाम सिंह तू जितना मर्जी फसल आपकी गधी नू चार उत्ते बेशक घर नू भी ले जा। एक साल बाद वो मेरे खेत अंदर ही मजदूरी करन आया, होर भी 40-50 मजदूर हाड़ी कट रहे सीगे। अचानक ही शाम का वक्त सी, दिन छिपने वाला सीगा। वो कहन लग्या कि जिस शख्स नू मैं हबोर दे अंदर देखिया सीगा उही हवाई जहाज ते मैनू लैण वास्ते आ गया है। साल बाद वो इस जगह भी आएगा, वो तेरे पास भी आएगा। वो शरीर छड़ गया, हुण तुसी सोच के देख सकते हो। मैं उहदा हत्थी शिशकार भी किया, क्योंकि साढ़े छूत छात उन्हां दिनां दे विच राजस्थान के अंदर बहुत ज़्यादा सीगी। एक हरिजन नू हथ लाउणा लोग पिटिया समझते सीगे। मैं उहदा हत्थी शनान किया, आपदे पासों कपड़े लिया के उहदे उत्ते कपड़ा भी पाया। मैनू पता सीगा कि किस तक किसे ताकत ने सांभिया होया है। हालांकि मैं परमात्मा कृपाल दे दर्शन नहीं किते सी, साल बाद वो परमात्मा कृपाल आए। उस तो बाद वो मेरे अंदर स्वामी जी दे रूप विच आया करन। टोपी सिरते हुंदी सीगी, लवां कटियां हुंदियां सन। मैं नहीं कह सकदा का कि वो कौन सी। जद परमात्मा कृपाल मेरे पास आए, कुछ दिन आउण तो पहला उन्हां दा जिहड़ा स्वरूप सी वो बदल गया। जैसे स्वरूप विच मैनूं मिले ऐसे ही आया अंदर। जदों आए मैं उन्हां पास बेनती कीती कि महाराज जी पहला थोड़े सिर ते टोपी हुंदी सी, एक साल पहला आउंदे रहे हो, लवां तुहाडियां कटियां हुंदियां सन, हुण कुछ दिन ही होए है कि थोड़ा आ असली स्वरूप मेरे अंदर आउण लग्या। महाराज जी कहण लगे ये सब हजूर महाराज दी मेरे गुरु की दया सी जो थोड़े अंदर आउंदा सीगा, क्योंकि संत कदे भी अपने आप नूं वडिया ही नहीं लेंदे हुंदे गे, वो जो वड्याई है वो आपदे गुरु नूं दिंदे है। सो प्यारिओ तुसी खुद सोच के देख लो कि किन्नी क उस हरिजन हरनाम सिंह दी मुलाकात सी। सिर्फ कार नंघ दी दे दर्शन कीते, उस दी भी आके संभाल कीती। यह है पूरे गुरु दी वड्याई, पूरे गुरु दी महिमा। और अज भी वह संभाल करदा है, मैनू दुनिया दे संसार दे कोने कोने विच जाण दा मौका मिलिया है। बहुत लोग सत्संग सुन के ये भी कहिंदे है अगर गुरु तेरा ऐसा सीगा तो असी उन्हां तों फायदा क्यों ना उठाया, असी नाम ना लिया, सानू पता नहीं सी कि वह की देण वास्ते आउंदा है। सो प्यारिओ ये भी उन्हां दे भाग है जिहड़े अज भी पछतावा करदे है, तद भी उन्हां नूं संभाल हुंदी है जी। ओए आप झूठे परवार स्यों सब जगत छुड़ाया, गुर प्यारे गुहर सीवया, गुर तन गुर तनो गुर हर मार्ग दसिया, गुर पुन वाड पुनो। थोड़ा प्यार ना कहंदे है गुरु तन है, गुरु प्यारा लगता है, क्योंकि उन्हें परमात्मा की भगती करके परमात्मा रूप हो गया। जो गुरु ने मैनू दान दिता दुनिया का पुन उस दे कोई भी मुकाबले दे विच नहीं आ सकता गा। जो दान संत दिंदे है प्यारे ओ, ना उसनू चोर चरा सकता है, ना अग्नि साड़ सकती है, ना हवा ही उसनू उड़ा के ले जा सकती है। वो दान सदा ही जी दे संग रहिंदा है। गुरु नानक साहिब कहिंदे है कि गुर का बचन जिया के संग, गुर का बचन सदा अविनाशी, गुर का बचन कट्टे जम फासी। कहन लगे अविनाशी है, वह नाश नहीं हुंदा गा, उनू कोई ताकत नहीं जड़ी फना कर देवे। इस वास्ते आप कहन लगे जो गुरु ने उपकार कीता है, जो गुरु ने दान दिता है, वह कोई दान दे ही नहीं सकता गा, वह पुन कोई कर ही नहीं सकता गा जी।
गोरे हर मार्ग दसिया गुर पुन वड पुनो जो गुर सिख गुर सेवंदे से पुन पराणी। हुण आप प्यार ना कहंदे है जेड़े उस तो नाम लेके उदे सिख बन गए है जेड़े उदा नाम जपदे है वो भी बहुत वड्डे भागा वाले है बहुत वड्डा पुन वो भी खट रहे है। सो आप प्यार ना कहंदे तानो सिख है जेड़े उस तो नाम जप लेके नाम दी कमाई करदे है जी। जो गुर सिख गुर सेवंदे से पुन पराणी जन नानक तिन को वारिया सदा सदा कुर्बानी गुरमुख सखी सहेलिया से आप हर पाया हर दर गै बैनाइया हर आप गाल लाया। जेड़े गुरु दे सिख है वो सारिया सखिया हन प्यारिया हन ओ परमात्मा दे दर जांदियां हन परमात्मा उन्हां नूं गले लाउंदा है। असी इस तरह कट्ठे हुंदे हैं जिस तरह पिंडां दे अंदर त्रिंजणां दे अंदर कुड़ियां कट्ठियां हुंदियां हन ओ कोई किसे जाति दी है कोई किसे जाति दी है उन्हां दा आपसरी में बड़ा प्यार हुंदा है। इसे तरह गुरु दे सत्संगियां दा आपसरी में प्यार हुंदा है पता ही नहीं लगता किस जाति दा साडे पास बैठा है। महात्मा दसदे है गुर सिख नूं या गुर सिख मिलदा देख के चा चढ़ जाते हैं उन्हां नूं खुशी आउंदी है एक दूजे के चरणा उत्ते न्यों न्यों सीस नवाते हैं एक दूजे के उत्ते वो कहिंदा वे देख मैं इस नूं नमस्कार करा यही उन्हां दी गुरु सिखी की निशानी है यही भगतां वाली चाल है एहो भगतां वाली चाल है एहो ही गुरसिखी है एहो खंडो तिखी है ते एहो ही वालों निकी है। कहण लगे जिस सिख नूं न्योणा भुले उत्थे गुरु खरोड़ा नहीं जिस सिख नूं न्योणा भुलदा है वह हंकारी है उहदे अंदर कहिंदे गुरु प्रगट नहीं हुंदा गा। सो इस वास्ते गुरु साहिब प्यार नाल कहिंदे है गुरु सिखां दा कितना प्यार है उह सारियां सखियां हन सहेलियां हन उत्थे कोई जात पात दा सवाल नहीं औरत मर्द दा सवाल नहीं गा जी। हरे दर गए पैनाइया हरे आप गाल लाया जो गुरमुख नाम ते आएंदे तिन दर्शन दीजे हम तिन के चरण पखाल दे निम्रता है गुरु रामदास दे अंदर कहन लगे जेड़े गुरु दे नाम दी कमाई करदे है तू सानू उन्हां दा दर्शन करा अगर तू उन्हां दा दर्शन करावे असी उन्हां दे चरण धो के पीए कि तन हो प्यारे हो तुहानू गुरु मिलिया तुसी गुरु नू याद करदे हो जी। हम तिन के चरण पखाल दे सुपारी खातियां मुख बीड़ियां लायां हरे हर कदे ना चेते ओ जम पकड़ चलायां। हुण उपर नाम जपन वालियां दा हाल दस के गुरु सिखां दा प्यार दस के उन्हां नूं की इनाम मिलदा है। हुण आप दूसरे पासे आउंदे है कि जो लोग शराबां कबाबां दे विच अपनी जिंदगी पैड़े खोटे कर्मां विच लाउंदे है
कहन लगे उन्होंने आके जम पकड़ते है, जम पकड़ के ले जाते है जी। हरे हरे कदे ना चेते ओ जम पकड़ चलाया जिन हर नम हर चेते आ हृदय और दारे तिन जम नेड़े ना आवई गुर सिख गुर प्यारे। जेड़े सुते जागदे गुरु दा नाम जपदे है कहन लगे उन्हां दे जम नेड़े नहीं आ सकदा क्योंकि गुरु दे प्यारे है। प्यारे हो जिस तरह किसी माता दे बच्चे नूं भावें ओह जानवर भी क्यों ना होवे कोई आफत आउंदी है ओह उस नूं बच्चे नूं आप दे ओले कर लैंदी है पहला आ मरन नूं तैयार हो जाती है। इस तरह गुरु सेवक की आफत अपने सिर लै लैंदा है जमा दे हवाले नहीं करदा गा ਇਹ ਉਸਦੀ ਦਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜੋ ਬਣ ਗਏ ਹੈ ਜੀ। ਤਿੰਨ ਜਮ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਵਈ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਹਰੇ ਕਾ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸਤ ਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਾਣੇ। ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਾਮ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਮਹਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਾ ਨਾਮ ਤਵੱਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਹੀ ਉਹ ਤਵੱਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸਤ ਗੁਰ ਪੀਟਿਆ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਸਤ ਗੁਰ ਦਾਤਾ ਆਖੀਏ ਤਸ ਕਰੇ ਪਸਾਓ ਹੋ ਗੁਰ ਵਿਟੋ ਸਦ ਵਾਰਿਆ ਜਿਨ ਦਿੱਤੜਾ ਨਾਉ। ਕੰਗਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਨ ਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਮੰਗਤੇ ਹੈ। अगर दाता है शाह है तो गुरु है। नाम अमोलक है एदा की मुल है। पैसे ना अगर मिलता हुंदा तो शेर शाहूकार प्राप्त कर लेंदे। एक तार ना मिलता हुंदा तो गुरूपिए इसनू पसा लेंदे। अगर पढ़न लिखन दे नाल ए मिलता हुंदा तो चतरलोक ही इनू परमा लेंदे। तो प्यारे हो तो प्यार दा सौदा है। कहन लगे मैं अपने गुरु तो कुरबान जाना है बलिहार जाना है ਮੈਨੂੰ ਉਸਨੇ ਗਰੀਬ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਓ ਗੁਰ ਵਿਟੋ ਸਦ ਵਾਰਿਆ ਜਿਨ ਦਿੱਤੜਾ ਨਾਉ ਸੋ ਤਨ ਗੁਰੂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਹਰ ਦੇਸ ਨੇ ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰ ਦੇਹਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਸਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸਿਰਫ ਸੁਨੇਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਗੁਰੂ ਵਿਕਸਿਆ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਕਸਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਓ ਵੇਖ ਵੇਖ
ਦੇਖ ਗੁਰੂ ਵਿਗਸਿਆ ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰ ਦੇਹਾ ਗੋਰੇ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲਦੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਹਾਵੀ ਜਿਨ ਸੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਤਿੰਨਾ ਭੁੱਖ ਸਭ ਜਾਵੀ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੋਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜਿਨ ਸੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਗੁਰ ਮੰਨਿਆ ਤਿੰਨਾ ਭੁੱਖ ਸਭ ਜਾਵੀ ਹਰੇ ਕਾ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਪੁੱਤ ਸਾਥ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਧੀ, ਨਾ ਧਨ, ਨਾ ਦੌਲਤ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਸਾਥ ਜਾਏਗੀ। ਪਿਆਰੇ ਹਕੂਮਤ ਖੜੀ ਖੜਾਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਜੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਅੰਤ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ 500 ਆਦਮੀ ਉਹਦੇ ਮਹੱਲ ਦੇ ਉਦਾਲੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਸਭ ਦੇ ਰਫਲਾਂ ਕਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, 1500 ਦੀ ਨਫਰੀ ਉਹਦੀ ਪਲਟਣ ਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਗਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੰਟੂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਜਦ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸਦਾ ਟਿੱਕਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੋ ਤਾਰਾਂ ਫਿਰ ਗਈਆਂ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਆਸੀ ਪਾਸੀ ਜੋਧੇ ਖੜੇ ਸਵੀ ਬਜਾਵੇ ਗਾਲ, ਵਿੱਚ ਮਹੱਲੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਐਸਾ ਕਾਲ ਕਰਾਲ। ਸਾਰੇ ਜੋਧੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਖੜਾਏ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਮਹੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਨੋ ਕੰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਸਕੇ ਸਰਬੰਧੀ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਕਿੱਧਰੋਂ, ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਨਾ ਧਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਦੌਲਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਖਰਚ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਖਰਚ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਕੋ ਸੰਗ ਨਾ ਸਾਥੀ, ਮੁਕਤੇ ਨਾਮ ਧਿਆਮਣਿਆ। ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਤੋਸਾ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਸਰਾਂ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਕੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਿਆਨਕ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਉਸ ਖਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਹੋਟਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਕੱਟਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਪਨਾਰ ਨਾਮ ਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਰੇ ਹਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰ ਖਰਚ ਲੈ ਜਾਈਏ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰੇ ਆਰਾਧਿਆ ਸੇ ਸਾਵਡ ਗੁਰ ਕੋ ਸਦ ਵਾਰਿਆ ਗੁਰ ਬਚਨ ਸਮਾਣੇ। ਅਗਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਾਨੇ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹ ਹੈ,
ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਓ ਸਤ ਗੁਰ ਕੋ ਸਦ ਵਾਰਿਆ ਗੁਰ ਬਚਨ ਸਮਾਣੀ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬੋ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੀਰਾ ਦੁੱਧ ਪਾਵੇ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਤੂੰ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਠਾਕਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੀਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਦਇਆ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੀ। ਦੁੱਧ ਪਾਵੇ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਤੂੰ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ਆਪੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ ਆਪੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਗਾਲ ਚੰਗੀ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਤੇਰੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਰੱਖ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੰਦੇਹਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਨੇਹਾ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ ਆ ਕੇ ਪਕੜਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਮ ਨੇੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਏ, ਜੋ ਵੀ ਵਕਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਈਏ। ਆਪੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ ਆਪੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸਾ